गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम अपने स्टूडेंट को बताना चाहेंगे कि कोई भी चीज को सही तरीका से पढ़ने की जरूरत होती है, कंसेप्ट के द्वारा पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर देखा गया है कि पुस्तक में रहने वाली विद्या स्टूडेंट के लिए सही समय पर काम में नहीं आती है। स्टूडेंट का जो सही समय होता है वो एग्जाम का समय, और एग्जाम में आपको पुस्तक ले जाना नहीं होता है। तो पुस्तक में रहने वाली विद्या सही समय पर काम में नहीं आता है, इसके लिए आपको चाहिए कि दिमाग, जो ब्रेन में रहने वाली विद्या सही समय पर काम में आता है। तो ब्रेन में रहने वाली विद्या को कैसे हम अचीव करेंगे, कैसे हम हासिल करेंगे, अगर हम कंसेप्ट के द्वारा पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्रेन में जाता है। तो जो सही समय मेरे लिए आता है स्टूडेंट लोगों के लिए, वो उस समय में काम में आ जाता है। तो चलिए आज हम कंसेप्ट के साथ इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्नावली 7 अध्याय 7 है, और प्रश्नावली 7.2 का दूसरा नंबर का सवाल है। इस आकृति के द्वारा हम पहले समझते हैं कि एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। एबीसी की भुज में एडी जो भुजा है वह बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है, लंब यह है, इसको दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये भुजा, ये बीडी भुजा बराबर सीडी हो जाएगा। ये बात जैसे लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये कंसेप्ट है। अब देखिए कि हमको क्या करना है, इस ये त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज साबित करना है, और जिसमें बताना है कि ए बी बराबर ए सी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो त्रिभुज बनता है ए बी डी, और एक त्रिभुज बना ए सी डी। इसको हम क्या करेंगे, सर्वांशम सिद्ध कर देंगे। जब सर्वांशम सिद्ध कर देंगे तो कोई भुजा के बराबर कोई भुजा हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज में किस में लेंगे, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी, ठीक है। यहां से लेते हल। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, जो ही देखिए कि लंब समद्विभाजक है ना, लंब समद्विभाजक ए डी लंब समद्विभाजक है बी सी का, तो यानी कि बी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डी, बी डी बराबर, बी डी बराबर सी डी। ये क्या ले देंगे, दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कोण, ये कोण मतलब इस कोण कैसे लेंगे, कोण ए डी, ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ए डी सी, ये भी आपको क्या है, दिया हुआ, दिया है। दो बार तो हुआ। अब देखना है कि ये जो एडी जो भुजा है, एडी जो भुजा है इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है, यानी उभयनिष्ठ भुजा एडी हो गया। तो क्या लिख देंगे, एडी बराबर एडी, ये क्या हो गया, लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए क्या हो गया, ये भुजा हो गया, ये क्या हो गया, हाँ एक बात, ए डी बी बराबर ए बी सी, यहां पर एक थोड़ा सा यहां पर लिख देना है,
ये दोनों बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। और यहां पर तब लिख देते हैं दिया है, रीजन अच्छा तरीका से होना चाहिए। अब देखिए कि ये कोण हो गया, ये भी भुजा हो गया, ये भी भुजा हो गया, क्या हो गया, ये कोण, ये हो गया भुजा बीडी और बराबर सीडी, और ये हो गया कोण, ये हो गया भुजा। लिखेंगे अतः, अतः अतः एस ए एस ए एस नहीं, ये भुजा कोण भुजा एस ए एस सर्वांग क्षमता, एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम से, नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समान क्षम, तो त्रिभुज क्या लिखेंगे ए बी डी सर्वांशम त्रिभुज ए सी डी। अब देखिए दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांशम सिद्ध हो गया। तो हम जानते हैं कि जब सर्वांशम सिद्ध हो जाता है तो उस त्रिभुज का कोई भुजा या कोई कोण भी बराबर हो जाता है सीपी सीटी से। तो लिख देंगे इसीलिए ए बी बराबर, ए बी जो कि दिया भी हुआ है, ए बी बराबर ए सी। अब क्वेश्चन में रीजन लिख देंगे सीपी सीटी से। अब देखिए जब ये भुजा और ये भुजा के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, अतः लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी, अतः त्रिभुज ए बी सी, अतः त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक एक समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।